Dear students, welcome to online class. Today, I am going to start a very interesting lesson, Isharan the Storyteller. I would like to tell you summary of the lesson before telling anything about this lesson, because this summary will be very helpful and beneficial to you to know the lesson very well and to sort out the question answers from the lesson also. Isharan the Storyteller is an interesting lesson written by a well-known writer Arthur Lakshman. Isharan Storyteller नाम Storyteller नाम की नाम का जो लेसन है वो सुप्रसिद्ध लेखक आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया है. आर के लक्ष्मण जिनको कि बहुत बड़े बड़े प्राइज भी मिले हुए हैं लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन के लिए, पद्म विभूषण तक का इनको प्राइज मिला हुआ है. ईश्वरन टेल्स स्टोरीज टू महेंद्रा. ईश्वरन जो है एक महेंद्र नाम के जो कि जूनियर सुपरवाइजर एक कंसर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी होते हैं, अनमेरिड व्यक्ति होते हैं, उनको कहानियाँ सुनाया करते हैं. दिस स्टोरी टेलिंग वाज वेरी इम्प्रेसिव. उनका कहानी कहने का ढंग बहुत ही प्रभावशाली एंड अट्रैक्टिव और आकर्षक था. सो इसलिए महेंद्रा एंजॉयड हिज स्टोरी वेरी मच. इसलिए महेंद्रा उनकी कहानी को महेंद्र उनकी कहानी को बहुत ही आनंदित आनंदपूर्वक सुनते थे. ईश्वरन टेल्स ईश्वरन उनको बताते हैं दैट ही बिलोंग्स टू ए टिम्बर एरिया, की वो ऐसे क्षेत्र के रहने वाले थे जहाँ पर कि इमारती लकड़ी का कारोबार होता था और वेयर लास्ट वर कैरी विद द हेल्प ऑफ एलिफेंट, जहाँ पर कि बड़े बड़े लकड़ों को हाथियों की मदद से इधर उधर ले जाया जाता था. वन एलिफेंट एक इसी दरमियान एक हाथी बीच में ब्यूटियर विद्रोही टाइप का भड़क गया. ही स्मैश ट्रीज प्लांट बिल्डिंग्स एंड एस ही इंटर्ड द कैंपस ऑफ इंश्योरेंस स्कूल. ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स क्लाइम्ड द रूफ. वह हाथी जो भी मार्ग में पेड़ पौधे मकान की दीवारें इन सब को ध्वस्त करता हुआ और बहुत ही क्रोध क्रोध एवं लाल लाल आंखों से जो है आगे बढ़ता हुआ तहस नहस करता हुआ जा रहा था. जैसे ही वो ईश्वरन जिस स्कूल पढ़ते थे उस स्कूल के कैंपस में प्रविष्ट हुआ वैसे ही ऑल द टीचर्स जो स्कूल के जितने भी अध्यापक थे विद्यार्थी थे वो सब सुरक्षा की दृष्टिकोण से छत पर चढ़ गए और इतना भयभीत हो गया कि वह छत पर प्रोटेक्शन लिए. ईश्वरन कहता है कि वह नीचे उतरा, उसने हाथ में लंबा सा जो है केन लिया मतलब बेंत टाइप का एंड अप्रोच टू द एंग्री एलिफेंट और उस नाराज क्रुद्ध हाथी के समूह के करीब में गया एंड फेल हिम डाउन और उसे हिटिंग ऑन द थर्ड टोनेल और उसके पैर के जो तीसरे अंगूठे जैसा जो है नाखून था उस पर हिट करके उसे धराशायी कर दिया गिरा दिया. महेंद्र ने पूछा हाउ ही कुड डू, उसने ऐसे कैसे वो कर सका. तो ईश्वरन बताते हैं कि he learned it through जापानी आर्ट. उन्होंने बताया कि जापानी आर्ट मार्शल आर्ट के थ्रू उन्होंने जाना था कि हाथी को अगर उसके टोनेल में प्रहार किया जाए तो उस समय के लिए जो है बेहोशी की स्थिति में हो जाता है. महेंद्रा नेवर बोर्ड इन द हाउस. महेंद्र जो है मैरिड थे लेकिन वो और टेलीविजन भी घर में नहीं था लेकिन वो घर में कभी बोर नहीं होते थे. क्यों नहीं बोर होते थे, क्योंकि हर्ड स्टोरीज विद इंटरेस्ट. वो बड़ी ही रुचिपूर्ण ढंग से इंटरेस्ट लेकर के ईश्वरन की कहानियों को सुना करते थे. वन डे ईश्वरन सेड एक दिन ईश्वरन ने बताया दैट ही वुड कुक ए स्पेशल डिश. कि वो है सुंदर सी
जो है टेस्टी डिश तैयार करना चाहते हैं। तो महेंद्र को बड़ा खुशी हुई, उनका ठीक है, और एंड व्हेन ही प्रिपेयर ए नाइस टेस्टी डिश, और जब उन्होंने क्या किया, सुंदर सी टेस्टी मतलब सुरुचिपूर्ण डिश तैयार की, तो महेंद्रा थैंक महेंद्र धन्यवाद दिया। ईश्वर को आकर सम टाइम को समय के उपरांत खाना पीना खाकर के महेंद्र बड़ा आनंदित थे, लेकिन ईश्वर ने कुछ समय के बाद में टोल भी बताया, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री एरिया थी, जिस फैक्ट्री एरिया में वो लोग रहते हैं जिस रूप में, वो पूरा एरिया का एरिया जो है वो क्या है, वास बढ़िया गया, वो किसी जमाने में शमशान भूमि हुआ करता था। हियरिंग इट महिंद्रा का मच फ्राइटेड, ये सुनकर के महिंद्रा बहुत भयभीत हो गए। ये आल्सो टोल दैट आई एम फ्रॉम मून, लेकिन ईश्वर ने बताया कि वैसे तो उन्होंने बहुत सारे जो है इविल स्पिरिट्स को देखा, प्रेत आत्माओं को, लेकिन वो फुल मून वाले दिन एक लेडी बिखरे हुए बालों से गंदे कंधे और सफेद कपड़ों में, जो आदमी उससे कुछ ज्यादा ही डरावनी और भय करने वाली है। नेक्स्ट डे दूसरे दिन महेंद्र वाज सो मच फ्राइटेंड, इतना ज़्यादा भयभीत हो गए इन इस माइंड, उनके दिमाग में इतना ज़्यादा भयपूर्ण विचार आने लगे थे, ही डिड नॉट सी आउटसाइड द विंडो, कि उन्होंने खिड़की के बाहर के दृश्य को देखना ही बंद कर दिया। उनकी आदत थी वो खिड़की के बाहर जो है चंद्रमा की रोशनी में दृश्यों को देखता था, लेकिन इतना भयभीत हो गया कि वो देखना बंद कर दिया। महेंद्रास माइंड वाज फिल्ड विद फियरफुल फीलिंग्स, महेंद्र का दिमाग जो है डरावनी भावनाओं से परिपूर्ण हो गया था। हंटेड स्पिरिट्स प्रेतात्माओं से डर थी, अल्टीमेटली डिसाइडेड टू गो अवे फ्रॉम देयर, की अंततोगत्वा उन्होंने उस स्थान से जाने का निश्चय किया। तो इस तरह से इसमें ईश्वरन द स्टोरी टेलर कहानी रुचिपूर्ण है, रोचक है, इसका आप रीडिंग करेंगे, उसमें आए हुए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे, लर्न करेंगे। ये आई होप दैट दिस द समरी आई टोल्ड यू वुड बी मच हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन। वी विल मीट विद सम क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।